सब पता है यार, कैन यू इमेजिन एवरीथिंग यू नो माय गॉड. तुम मतलब ऐसा होता है क्या कि जिसका इंटरव्यू लेना था उसके पीछे बंदा लगा देते हो, जहाँ जा रहा है देखो. अच्छी सी एक हमने बंदी गई है क्या. हेलो एंड वेलकम Songfest Fanfare. मेरा नाम है यज्ञेश और आज मेरे साथ एक ऐसी लड़की बैठी है, हरियाणा से बिलोंग करती है ये, और हरियाणा में पानीपत से बिलोंग करती है. वहाँ से उठकर इंडियन आइडल में आकर फिर ये बॉम्बे आई और बहुत कम लोग ये जानते कि एम कॉम की टॉपर है. Oh my God, पढ़ाई में भी उस्ताद, गाने में उस्ताद और इतनी ओबीडियंट कि जब तक इनको बोलने के लिए ना कहा जाए तब तक ये बोलती नहीं है. मैं सैंपल दिखाता हूँ. आसीस बोलना. छूटे आना छूटे मुझसे रंग तेरा ढोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई बोलना. बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना. सो वेलकम आसीस कौर इन द हाउस. Thank you so much. Actually, I should not say in the house, in our studios, on this couch. It's a beautiful, beautiful place. Welcome to the show. And बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था जब बोलना गाना सुना उन्होंने तो कि ये तो आलिया ने गाया है. Exactly. Yes. तो ये आपको कब ब्रेक करने की जरूरत पड़ी कि भाई ये मैंने गाया है. Definitely. I am the real person. ये मैं हूँ. मैंने गाया ये गाना. जब मेरे को बोलना पड़ता है कोई मिलता है कि अच्छा आप सिंगर हैं कौन से गाने गाए, मतलब बोलना तो आलिया ने ही गाया, लेकिन नहीं वो मैंने गाया. बट इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. इट इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कि आपकी आवाज एक आर्टिस्ट के ऊपर इतनी सूट कर रही है. एक्चुअली जब बोलना रिलीज होने वाला था तो शी शेयर्ड अ क्लिपिंग लाइक सिंगिंग द सेम लाइन एंड द सेम वे आई हैव सांग बोलना बोलना वही बोलना लाइक जस्ट बिफोर द रिलीजिंग द सॉन्ग एज अ टीजर कि द सॉन्ग इज कमिंग फ्रॉम कपूर एंड सन्स. तो लोगों को बहुत ज्यादा लगा कि उन्होंने गाया. Life has definitely changed a lot after Bolna. After Bolna, एक मतलब बताना नहीं पड़ता. People know कि अच्छा ठीक है, आसीस कौर सिंगर है. उसके बाद ऐसा हो गया ना, एक कुड़ी जिद्दा नाम आसीस कौर है, सबको पता चल गया. Exactly. बात करना चाहते हैं आपके इंडियन आइडल डेज की, जब आप आई थी और फिर आप थिएटर राउंड से वापस चली गई थी. तो वो एक फीलिंग क्या होती है जब आप इतने बड़े शहर में आते हो, मुंबई शहर में आते हो और फिर आपको पता चलता है कि अब शायद यहाँ पे अपनी दाल नहीं गलने वाली और वापस जाना पड़ेगा. तो ये फीलिंग क्या थी और आपने कैसे टैकल किया इस फीलिंग को? बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक फीलिंग थी एक्चुअली. मैं कहूँगी फ्रॉम दिल्ली आई गिव माई ऑडिशन और जब मेरे को वो कहते गोल्डन टिकट मिला था टू कम टू बॉम्बे, आई वॉज लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. बट मैं जब आई यहाँ तो थिएटर राउंड में इट वॉज जस्ट कि एक मतलब आई जस्ट एंटर्ड मुंबई. एक फर्स्ट राउंड था और उसमें ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. जब आधी रात को आपको पता चला कि अब अरे राम भाई आपको सब मालूम है. एग्जैक्टली इट वॉज लाइक मुझे याद है 4 बजे हमें पता लगा कि नहीं हुआ सिलेक्शन और हमारे साथ ही साथ टिकट्स भी हो गई थी. तो 6 बजे वापसी प्लेन में भी रोते रोते गई थी मैं और ऐसा लगता कि आज तो लाइफ खत्म हो गई. तो वो एक कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट है और यहाँ से शायद अब मैं म्यूजिक की तरफ ही जाऊंगी? एक्चुअली माय लाइफ इज रियली सॉर्टेड शुरू से. मतलब मुझे शुरू से मतलब आई थिंक मैं पैदा हुई और 3 साल की उम्र मैंने गाना शुरू किया. right. तब तो अक्ल होती नहीं है कि क्या सोचना है. तो जब तक बड़ी हुई धीरे धीरे अक्ल आई तब तक सिर्फ किया ही म्यूजिक था. तो और कोई क्वेश्चन था ही नहीं. अगर यू कैन से टर्निंग पॉइंट वाज लाइक डिसाइडिंग इन 10th बिफोर कि क्या सब्जेक्ट डिसाइडिंग इन 10th में 9th कि क्या सब्जेक्ट्स लेने. जो आपने एम कॉम में महारत हासिल की थी अपने कॉलेज में, तो कुछ बताइए कॉलेज के बारे में. मैं शुरू से इंटेलिजेंट थी स्टडीज में. 12th में मतलब आई गॉट आई थिंक 92% इन बोर्ड्स. मुझसे जिनके कम नंबर थे वो भी मतलब दिल्ली जा रहे हैं कोई पढ़ने, कोई बॉम्बे जा रहा है. तो मेरा दिल थोड़ा टूटा. मैं कहा यार इतनी इंटेलिजेंट होकर इतनी अच्छी पढ़ाई करके मैं कहीं पढ़ने नहीं जा रही. तो आई स्टक विद दिस कि नहीं मुझे सिंगर ही बनना, मैं बाहर पढ़ के करूँगी भी क्या. तो मैं घर रहती हूँ, रियाज अच्छा होता रहेगा. तो आई स्टेड इन पानीपत. मैं SD कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया. बिल्कुल ऐसे ये घर ये कॉलेज ऐसे सामने वाला कॉलेज में एडमिशन लिया. खुदक के जाओ खुदक के आओ. हाँ एग्जैक्टली. मतलब टनल बना लो तो सीधा क्लास में निकलो ऐसा था. एक्चुअली मैंने 12th तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी कॉमर्स की. मैं MCOM BCOM सिर्फ एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देती थी और टॉप कर गया. मतलब पता नहीं कैसे बट हो गया. कॉलेज में होता है ना एक प्यार मोहब्बत वाला भी सीन होता है जहाँ पे आपको शायद कोई पसंद आए या फिर कोई आपको पसंद करे. तो वैसा कोई किस्सा है कॉलेज का जो आपको याद हो अभी तक? तो आप ऐसा कोई क्रश प्यार मोहब्बत वाला सीन नहीं? कुछ भी नहीं, नहीं. मतलब करते थे लोग बट मैं कॉलेज जाती नहीं थी ना तो उनको मिला नहीं मौका कहने का. मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी को देखूं और उस पे मरूं.
ऐसा कोई आपका फैन जिससे आप बहुत ही मतलब बेइंतहा मोहब्बत करती है, ऐसा कोई फैन है आपको जो बहुत क्लोज है? सभी फैन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। कभी कोई ऐसे फैन ने आपके लिए कुछ एकदम वियर्ड सा किया जो आपको बहुत पसंद आया हो, ऐसा कुछ? देयर इज अ गर्ल एक्चुअली एंड वो बहुत कुछ करती रहती है, हर नेम इज सिमरन और उनका इंस्टा हैंडल भी असीस सिमी है, मतलब उन्होंने मेरे नाम से ही मतलब हर जगह उन्होंने डाला हुआ है असीस सिमी फॉरएवर। लाइक शी रियली लाइक वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा हद तक प्यार करती है मुझे। सो आई रियली फील ब्लेस्ड कि लोग इतना प्यार करते हैं। और जब मैं मतलब सिमी से बात नहीं करती हूँ कुछ ऐसे कभी लाइव आते तो बाकी फैंस नाराज हो जाते हैं, आप उनकी बातों का सब जवाब देते हो और मेरी बातों का जवाब देते हो, मतलब वो आजकल ये चलता है, अभी वही कर रही है, देंगी मैं वही सबको बताऊंगा। तो ये जार है जिसके अंदर कुछ सवाल हमने निकाल के रखे हुए हैं, सारे सवाल लेने इम्पॉसिबल होते हैं, सो इसमें से आपको जितने पसंद आए आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा, यू कांट से नो। ओके, ऐसा खतरनाक क्वेश्चन हुआ फिर आपका, हुआ आप शुरू कर सकती हैं अंताक्षरी, पता लगे इसमें भी मतलब देखते हैं किसकी मतलब क्वेश्चन किस्मत निकलता है। लाओ जा मैं पकड़ लेता हूं। हां एक्साइटमेंट, मजा तो अब आएगा। शशांक सिंह, हैव यू एवर फेल्ट ग्लूमी व्हेन अ सॉन्ग गिवन टू अनदर सिंगर दैट यू व्हिच यू डिजर्व टू सिंग? As a fan, I feel that some song would be better if it's sung in your voice. Wow, thank you, Shashank. And same with Sumedha ma'am. Dekha, hum dono ke fans bahut aapas mein bahut aapas mein bhi bahut pyar karte hain. You both have different and amazing voice. So, main gloomy nahi kahungi ki mujhe kabhi gloomy feel hua, because actually jo kismat mein hota hai wo milta hai, jo kismat mein nahi hota hai to aap kuch bhi kar lo aapko nahi milta hai. Sahi baat hai. To maine aise bahut sare gaane gaaye hote hain ki jo mere baad kai baar koi aur singer gaata hai aur like kisi aur ki awaaz mein aata hai. I don't feel gloomy because gloomy feel karne ka koi fayda nahi hai. Main udaas hungi to mera mood kharab hoga, mera din kharab jayega. Isse better hai ki chalo koi baat nahi, mitti pao. Recently aapko ek aap shock nahi bolna chahiye but recently you started taking care of yourself a lot and you started your CrossFit training. Yes! Oh my god! Everything you know, my god! ये CrossFit training के बारे में बताइए, ये जो नया नया शौक आपको है, बहुत नया नया है। हाँ तो ये चलेगा, चलने के लिए बना है या चलेगा? Definitely, because I'm really happy with the results. इतना ज्यादा फर्क हुआ है, I used to gym तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था, तो मुझे लग रहा था कि अब तो मैं मोटी ही रहूंगी, मैं जिंदगी में कभी पतली नहीं हो पाऊंगी, मैंने मान लिया था ऐसा। आई वॉज डूइंग जिम एंड एवरीथिंग बट कुछ हो नहीं रहा था, तो देन आई डिसाइडेड टू गिव अ लास्ट शॉट कि चलो एक बार क्रॉसफिट ज्वाइन करते हैं। तो मैंने थोड़ा ऑनलाइन सर्च किया कि कौन सा सबसे अच्छा है घर के पास, ये सब। तो आई लिव इन गोरेगांव एंड गोरेगांव में है बॉडी प्रो कोच बाय प्रवीण नायर एंड महक नायर, सो दे आर सेलिब्रिटी ट्रेनर्स एंड दे आर अमेजिंग, इज अमेजिंग, बहुत कमाल का लाइक द वाइब दे हैव देयर। तो मैंने वहाँ जब ज्वाइन किया, अरे एक महीने में आई वॉज सो हैप्पी विद द रिजल्ट, आई स्टार्टेड लूजिंग वेट एंड चेहरे पे भी ग्लो एंड एवरीथिंग, मैं एक्चुअली बहुत खुश भी रहने लग गई। अभी क्रॉसफिट फाइन मतलब रहने वाला लाइफ में। You were teleshopping ads जैसा साउंड कर रहा है। पहले मेरे जीवन में कुछ नहीं था। पहले मेरे जीवन में कुछ नहीं था, फिर ये बिल्ली आई और मेरी बिल्ली ऐसे कुछ ऐसा सा कुछ। And Asees, very personal thing, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला तो आप भी शॉक थी कि इसको कैसे पता इतनी सारी चीजें। मुझे बताइए जो मिडनाइट क्रेविंग्स होती है आपके, आप जो रात के एक दो बजे के बाद आपको उनके मैगी खाने का मन करता है और जो आप बनाती भी हो खुद ही और फिर नाम लेती हो फैमिली पे कि नहीं इनको खानी थी मुझे नहीं खानी थी। See, my trainers are also on Insta, they watch this, don't tell them, they'll be watching this interview. उसके बाद मेरी पोल क्यों खोल रहे हो आप लोग? कैसे ये क्यों? एक्चुअली मैंने बहुत रोका, मैंने बिल्कुल भी डाइट में चीटिंग नहीं किया, ग्रीन टी पीऊंगी और कुछ नहीं करूंगी और मैगी तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी ऐसा वाला किया। तो दो महीने का बहुत ज्यादा सब्र हो गया था लाइफ में, परमिशन लिया मैंने कि अच्छा मुझे चीट डे कब होता है, दो महीने से तो चीटिंग किया नहीं मैंने। तो दे वर लाइक संडे को आप एक मील चीट कर सकते हो, एक मील तो वो मैगी मील होता आपका। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं फैमिली का कह देती हूँ उन्होंने खाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। हाँ वो मैं चले दो, मैं ले लेता हूँ उसको। खतरनाक क्वेश्चंस पूछते हो यार तुम लोग। सो इट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, सृजन स्वराज, कैन आई नो योर फेवरेट कलर? यस, वेरी इजी। एंड फेवरेट सिंगर? वेरी इजी। माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, ऑल टाइम फेवरेट, आई लव वेयरिंग ब्लैक। एंड फेवरेट सिंगर इज मेल इज अरिजीत सिंह डेफिनेटली, एंड फीमेल आई एम रियली बिग फैन ऑफ मैडम म्यूजिक। आप कोई गाना सुना सकती हैं मैडम? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, लेट्स डू इट।
कौन सा गाना गाऊं? चांदनी राते हो चांदनी राते सब जग सोए हम जागे तारों से करे बातें हो चांदनी राते हाय चांदनी राते. क्या बात है. आई थिंक यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल सोलफुल वॉइस दैट सूट्स आलिया भट्ट द मोस्ट एज ऑफ नाउ. और कौन सी आर्टिस्ट है जिसके लिए आप गाना चाहते हो? एक्ट्रेस I really want to sing for Deepika and Anushka. सबके लिए गाना चाहती हूँ. ये दोनों मेरी बहुत फेवरेट. बहुत फेवरेट. सो दीपिका अनुष्का. मेरी बात तो एक्चुअली इतना वैल्यू नहीं करोगे आप लोग बट आशीष कह रही है कि गाना चाहती है तो गाने तो यार अच्छी गाने तो हाँ अच्छा है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सो यस सुपर यार. इतना बड़ा क्वेश्चन इतना बड़ा. सो इंस्टा दिस इज हार्दिक सोनी. Do you accept the fact that anyone who's looking forward to be a Bollywood singer needs to learn Hindustani classical music for sure? If yes, how many hours a day you think a student singer should riyaz? And if no, how do you think the artist could grow up? Maine bade sa bahut bade sare questions hai. Ek ek karke jawab dene padenge. I mean, what do you suggest to students like me to become a good singer? I'd be blessed if you help me with this, ma'am. This is a really nice question, actually. Please review my profile by watching at least one video. Cool. Okay, Hartik, I'll do that. And to be a Bollywood singer, I would say ki Hindustani classical music ko seekhna chahiye. Because, you know, it's for your own betterment. Jaise aap dekho, hamara gana gaya hua, you can do exact same, copy kar sakte hain aap. Magar jab hame gana naya milta hai, तब किसी ने वो गाया नहीं होता तो तब वो सब लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक की और वो सब सीखा हुआ काम आता है बिकॉज देन वी हैव टू लाइक मेक द सॉन्ग उसको अच्छे से सजाना होता है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने सीखा होगा इट विल बी वेरी इजी. एंड अगर सीख नहीं सकते आप जैसे कोई टीचर नहीं है कई बार छोटा शहर होता है बहुत और इट्स नॉट पॉसिबल कि बहुत सारे रीजंस होते हैं कि नहीं सीख सकते. अब यूट्यूब पर बहुत सब अवेलेबल है. So you should go to YouTube, videos देखो आप वहाँ से सीख सकते हैं और वो भी नहीं कर सकते तो गाने बहुत सारे सुनो उन्हें सेम गाओ that will help. और अगर वो भी नहीं कर सकते तो मैं आपको एक जगह बताता हूँ. असीस कौर का खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पे वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्लिपिंग्स डालती रहती है हमेशा. यूट्यूब चैनल पे एक्चुअली ना बहुत एक इंटरेस्टिंग आने वाला है कुछ. लोग सब्सक्राइब करेंगे तो अगर आपको जानना है क्या है तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल व्हिच इज असीस कौर. कौर ज्यादा ज्यादा ऑप्शन मतलब परेशानी नहीं रहते सिंपल. हमारे जैसा ही सॉन्ग फेस्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम. गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो टू माय YouTube चैनल टाइप असीस कौर एंड प्लीज वो सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज़ आई एम कमिंग अप विद रियली नाइस सॉन्ग्स. उसको सुनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. इट वाज ग्रेट हैविंग यू. थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम योर फैंस एंड वी लुक फॉरवर्ड कि आप और एक बार आए और उधम मचा के जाए शो. डेफिनेटली. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हाय मैं हूँ असीस कौर और ये था मेरा इंटरव्यू विद सॉन्ग फेस्ट. मुझे तो बहुत मजा आया इस इंटरव्यू में और अगर आपको भी मजा आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू सॉन्ग फेस्ट यूट्यूब चैनल.